बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा सचिव के पाठक शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे, जहां अपर शिक्षा सचिव ने जगदीशपुर प्रखंड स्थित शिक्षा महाविद्यालय फुलवड़िया, बैजानी उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय एवं मध्य विद्यालय खरवा का निरीक्षण किया। इस दौरान के पाठक के साथ भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जमाल मुस्तफा समेत शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्र स्थित विभिन्न विद्यालयों में अपर शिक्षा सचिव ने विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और वहाँ कार्यरत कर्मियों से बात करते हुए शिक्षा व्यवस्था समेत कई तरह की जानकारियाँ ली। निरीक्षण के दौरान के पाठक ने मध्य विद्यालय बैजानी में अनियमितता को देखकर स्कूल के प्रधानाध्यापक विवेकानंद झा को फटकार लगाते हुए स्कूल के बाथरूम और कैंपस में फैली गंदगी की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया। बता दें कि बैजानी स्कूल में निजी इस्तेमाल के लिए बारातियों को ठहराया जाता है, जिससे वहां कचरा का काफी जमाव हो जाता है और गंदगियां फैल जाती है। ग्रामीण अपने मतलब के लिए विद्यालय परिसर का इस्तेमाल तो करते हैं, पर साफ सफाई को लेकर लापरवाही देखने को मिलती है। इसके अलावा स्कूल कैंपस के अंदर ही चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन पीपल के पेड़ के नीचे करते हुए देख अपर शिक्षा सचिव भड़क गए और पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते देख उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं को भी जमकर फटकार लगाई। के पाठक ने कहा कि अगर किसी बच्चों को सांप या बिच्छू काट लेता है या ऊपर से बच्चों पर कुछ गिर जाता है तो इससे होने वाले नुकसान की जवाबदेही किसकी होगी, जबकि स्कूल कैंपस में बिना दरवाजे के एक खाली रूम को लेकर सेविका ने बताया कि इस कमरे में गेट नहीं होने के कारण काफी गंदगी फैली है। वहीं यह सब कुछ देखने के बाद के पाठक ने कार्रवाई करते हुए मध्य विद्यालय बैजानी के प्रधानाध्यापक विवेकानंद झा के वेतन से 50,000 रुपए की रिकवरी कराने का आदेश दिया और किसी भी स्थिति में ड्यूटी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से समझौता नहीं करने की बात कही। इसके अलावा विद्यालय परिसर में गंदे पड़े रूम को साफ करवा कर कमरे में ही आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन करने का निर्देश दिया। इधर शिक्षा महाविद्यालय फुलवड़िया में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से क्लासरूम में जाकर बातचीत करते हुए के पाठक ने सभी तरह की व्यवस्था की जानकारी ली, जिसके बाद अपर शिक्षा सचिव ने कहा कि सभी शिक्षकों की पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है, इसीलिए सभी नवनियुक्त शिक्षक अपने स्कूल से 15 किलोमीटर की दूरी के बजाय 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही कमरा लें, जिससे विद्यालय आने जाने में देरी या किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके अलावा सही समय पर स्कूल पहुंचने और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपना कर्तव्य निभाने की बात शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा कही गई। साथ ही अपर शिक्षा सचिव के पाठक ने शिक्षकों से सख्त लहजे में कहा कि जिसे काम करने में कोई परेशानी हो रही है उसके लिए यह स्थान नहीं है और वो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर शुक्रवार 1 दिसंबर को भागलपुर समेत देश भर के अस्पतालों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान लोगों को HIV संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया गया, जिससे कोई भी असावधानी या जानकारी के अभाव में इस बीमारी की चपेट में न आए। एड्स को वर्तमान समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक माना जाता है, जिससे बचाव के लिए सावधानी और जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। वहीं शुक्रवार को विश्व एड्स दिवस को लेकर भागलपुर के जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल परिसर में एड्स जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी और डॉक्टर दीनानाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डॉक्टर प्रशांत कुमार, अस्पताल प्रबंधक आशुतोष कुमार और सुब्रो मालकार समेत HIV विभाग की काउंसलर और ANM स्कूल की छात्राओं ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए शहरवासियों एवं राहगीरों को एड्स से बचाव के प्रति जागरूक किया। रैली के दौरान ANM छात्राओं के द्वारा हमने मिलकर ठाना है, एड्स को भगाना है, जैसे कई नारे भी लगाए गए, जिससे एड्स जैसी बीमारी से समाज को बचाया जा सके। बता दें कि राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2016 में HIV संक्रमितों की संख्या 29,715 थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 76,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अभी भी इसके संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक संगठनों के प्रयास से बीते कुछ वर्षों में HIV के प्रति लोगों में काफी जागरूकता आई है, जिससे एड्स संक्रमितों की बढ़ती संख्या के रफ्तार में कमी आई है
वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी ने बताया कि एड्स से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं बनाना है, जबकि मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाई गई सिरिंज एवं सुई का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एड्स संक्रमितों से हाथ मिलाने, एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ उठने बैठने या मरीज को गले लगाने से एड्स नहीं फैलता है। विश्व एड्स दिवस को लेकर शुक्रवार को एसएम कॉलेज से एमएड की छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली कॉलेज परिसर से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई चौक से गुजरी, जिसमें लोगों को एड्स से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए नारे लगाए गए। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह समेत कई शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्राएं मौजूद रहीं। विश्व एड्स दिवस के मौके पर भागलपुर सुंदरवती महिला कॉलेज में NSS और HDFC बैंक के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने रक्तदान कर लोगों को सकारात्मक संदेश दिया और समय समय पर हर किसी व्यक्ति से रक्तदान करने की अपील की। मौके पर NSS के पदाधिकारी, बैंक के अधिकारी समेत काफी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार 24 हबीब अकादमी। भागलपुर में शुक्रवार को ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी फॉक्सी की ओर से निजी होटल में आयोजित दो दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सेफ मदर और सेफ चाइल्ड के साथ क्रिटिकल केयर और गायनेकोलॉजिकल विषय पर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी जानकारी और अनुभव साझा किए। कॉन्फ्रेंस के दौरान देश विदेश के प्रख्यात महिला चिकित्सकों ने अलग अलग विषयों पर व्याख्यान दिया, जिसका लाभ मेडिकल स्टूडेंट के अलावा नए और अन्य महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को मिल सके। वह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर पोक्सी की आयोजन सचिव डॉक्टर कविता वर्णमाल ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कई तरह के नए और तकनीकी अनुसंधान लगातार हो रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से भागलपुर समेत अन्य जगहों के चिकित्सकों को इसकी जानकारी मिल सके, यही उन सभी का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से क्रिटिकल केयर और मातृ शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के साथ महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के इलाज एवं महिलाओं को बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने को लेकर चर्चाएं की गई। साथ ही डॉक्टर कविता ने कहा कि मां और शिशु की मृत्यु दर रोकने या कम करने के लिए केवल डॉक्टर्स द्वारा किया गया प्रयास काफी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए महिलाओं और उनके घर वालों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा। इस दौरान देश के कई जिलों और राज्य से भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए महिला चिकित्सक पहुंचे, जबकि कई डॉक्टर्स ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपने अनुभव और जानकारी को साझा किया। कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से पहुंची विशेषज्ञ महिला चिकित्सकों को आयोजन समिति की ओर से एप्रिसिएशन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस में पॉक्सी भागलपुर की अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा,
डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर प्रभाती केशरी, डॉक्टर पद्मिनी घोष, डॉक्टर लीना नायर, डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत काफी संख्या में डॉक्टर्स मौजूद रहे। दो दिनों तक चलने वाला फॉक्सी के द्वारा आयोजित ये इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस है। जब भी महिला गर्भवती होती है, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वो क्रिटिकली इल हो सकती है और डेथ भी हो सकता है, तो उसको हम कैसे अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करें और उसको मरने से रोकें या मॉर्बिडिटी से रोकें, उसके लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे देश के प्रख्यात चिकित्सक जो कि बॉम्बे, गुजरात, कलकत्ता, लखनऊ, गोरखपुर और कई जगह से आए, दिल्ली कई जगह से आए हैं। साथ में हमारे कुछ इंटरनेशनल फैकल्टी भी ज्वाइन किए हैं, कुछ लोगों ने हाइब्रिड के द्वारा ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने फिजिकली यहाँ आकर ज्वाइन किया है। और हमारा मोटो है कि माँ और शिशु दोनों की मृत्यु दर को कम करें। सुबह में हमने एक वर्कशॉप किया जिसमें 7 वर्क स्टेशन थे, जिसमें मेनली पीपीएस से बचने के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है माँ के डेथ का, 2 घंटे के अंदर अगर हम पीपीएस का एक्शन नहीं लिए तो पीपीएस से माँ का डेथ हो सकता है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कमरगंज पंचायत वार्ड संख्या 4 से जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं, जिसे इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को लेकर दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को लिखित आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं एक पक्ष की घायल महिला पूनम देवी ने बताया कि उसके चचिया ससुर रामानंद शर्मा, उसके 3 पुत्र सुनील शर्मा एवं इतवारी शर्मा, अनिल कुमार शर्मा और कड़ी शर्मा के अलावा मुकेश शर्मा एवं मनीष शर्मा ने मिलकर उनके घर पर खेतियर जमीन के कागजात पर जबरन हस्ताक्षर करने को कहा। महिला ने कहा कि हस्ताक्षर नहीं करने पर उसे और उसके पति को लात घूसा से पीटा गया, जबकि मारपीट की घटना में उसके पति भी घायल हो गए हैं। दरअसल दूसरे पक्ष के मनीष कुमार का कहना है कि पूर्व से ही बंटवारा को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के प्रयास में पूनम देवी और उनके पति मृत्युंजय कुमार शर्मा को उनके हिस्से की जमीन का मुआवजा राशि दे दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों के द्वारा अपने हिस्से की जमीन का दाखिल खारिज में सहमति नहीं दी जा रही। मनीष कुमार ने कहा कि इसके बदले दोनों पति पत्नी उन लोगों से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। हमारे साथ में मारपीट किया है। कौन लोग? चचिया ससुर है रामानंद शर्मा, मुकेश शर्मा, मनीष शर्मा और कंडी शर्मा, इतवारी शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, सब मिलके मारा वाला मार के इसको बिथार दो, कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों मारपीट कर रहा है? सिग्नेचर खोज रहा है, मोटिशन करने के लिए कह रहा है। क्या चीज का? खेत में, खेत का मोटिशन करने के लिए कह रहा है, साइन करने के लिए। हम लोग को हिसाब ही नहीं दिया, फिर भी हम संतोष करके बोले ठीक है कर देंगे, पहले घर का मेरा क्लियर करो। बोला घर का क्लियर बाद में करेंगे, पहले मोटिशन में साइन करो। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड उर्दू मध्य विद्यालय दिलगोरी में विशेष महिला एवं बच्चा कोषांग के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के तहत महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला एवं बच्चा कोषांग भागलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता बिंदु शर्मा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के निर्देशक डॉक्टर मनीष कुमार ने की। कार्यक्रम के दौरान कोषांग के सामाजिक कार्यकर्ता एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के निर्देशक डॉक्टर मनीष कुमार की मौजूदगी में महिलाओं एवं बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकाल कर की गई। वहीं इसको लेकर डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि सभी महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करते हुए अपराध नियंत्रण करना आवश्यक है, जिससे महिला एवं बच्चों पर अत्याचार होने से रोका जा सके। बच्चा कुशांग भागलपुर से हूँ और ये मैं महिलाओं के लिए सोशल साइको लीगल काउंसलिंग प्रदान करती हूँ, और जहाँ तक हो सके महिला हिंसा से संबंधित इनको मदद करने की बात, तो हम लोग हमने इनका मदद थाना से हो या समाज के लेवल पे हो, वो सब जगह जाके उनकी मदद उनको मदद कराने का हम लोग का कोशिश रहता है, ताकि महिला हिंसा से वंचित रहें, उनको हिंसा नहीं मिले। और महिलाएं अक्सर हर घर में महिला हिंसा हो रही है, तो ऐसी हिंसा न हो उसके प्रति हम लोग का जागरूक करने का भी ये 16 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है।